अस्सलाम वालेकुम। यहाँ रेख लग के मकाम पर हड़ताल हो गया है और गाड़ी ड्राइवर वालों का हड़ताल है। अल महमूद कोच को कोस्ट गार्ड वालों ने उसके कुछ सामान उतारे हैं, इसी वजह से उन्होंने अपनी गाड़ी भी जलाई है और अभी भी गाड़ी जल रही है। इन लोगों ने उसके दूसरे जो कंपनी की दूसरी गाड़ियाँ हैं बीच रोड पर बंद करके हड़ताल किया हुआ है। और फ़िलहाल इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से किसी की भी तरफ से कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रहा। सुबह 7 बजे से ये वाक़या हो गया है, अभी 1:30 बजने वाला है और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं आया है। ये इतला यही है कि अभी डिप्टी कमिश्नर लसबेला आ रहे हैं और इस मसले को सोल्व करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त कुछ नहीं हुआ है। हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं सारे मुसाफिर बसें हैं, वैगन्स हैं और ये लोग हैं, बिल्कुल बीच सड़क पे बंद किया हुआ है, पब्लिक के साथ कोई ऑप्शन नहीं है। नाज़रीन, यहाँ आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है, ट्रांसपोर्ट हज़रात और दूसरे जो लोग हैं यहाँ मुसाफिरी नज़रात हैं, ये सब जी इस भाई की सुनते उठो, ये तो जल रहा है, मरीज़ मर रहा है, फिर हम क्या करें इलाके को? आखिर वज़ीर आला फौज दूसरा किधर गया हुआ है? सुबह कितने बजे ये वाकया पेश आया? सुबह 6 बजे से, सुबह 6 बजे से, आज अभी 2 बज रहा है, 6 बजे से बंद, 6 बजे से 2 बज रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सुबह तकरीबन 9 बजे से मेरा ख्याल है, हमसे पहले जो है ये इन्होंने बंद किया हुआ था। ये ट्रांसपोर्टर भी गलती पे है, इन्होंने इन आवाम का नहीं सोचना है, इन्होंने बंद किया हुआ है। सारे लेडीज़ हैं, मुसाफिर हैं, मरीज़ हैं, सारे बंद किया हुआ है। मरीज पड़ा हुआ है, स्ट्रेस मरीज है, दो सुबह एम्बुलेंस में या दूसरे बसों में, एम्बुलेंस वाले मरीजों को भी नहीं छोड़ रहे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मुज़ाकराती टीम नहीं आई है और पब्लिक यहाँ परेशान है, इनका कोई पुरसान हाल नहीं है और यहाँ आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। सिर्फ यहाँ एक जगह पर हड़ताल नहीं है बल्कि 5 किलोमीटर के फासले पर रेख लग के मकाम पर भी वहाँ भी हड़ताल है। इतनी तादाद में लोग जमा है वहाँ, लोग आवाम की बड़ी तादाद है, कह रहे हैं कि मरीज़ भी यहाँ मौजूद है, इन मुसाफिरों में सीरियस मरीज़ है और 2 एम्बुलेंसेज भी में भी मरीज़ हैं, उनको भी नहीं छोड़ रहे और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पेशरफ नहीं किया गया। अब तक सिर्फ आवाम के लिए सिर्फ एफसी कमांडर ने सिर्फ जितने इकदाम उठाए हैं, एफसी कमांडर ने इकदाम उठाए हैं, हैदर साहब ने, और हैदर साहब के साथ बात हुई है, सिर्फ उसने जितना कुछ किया है। अब अभी जो हमारी मज़ीद अपडेट्स हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें तशरी टीवी का यूट्यूब चैनल और लाइक शेयर करना भी न भूलिए, और फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करके लाइक कमेंट कर। 3 किलोमीटर के फासले पर दूसरी जगह पर भी हड़ताल जारी है और पे काफ़ी लोग कसीर तादाद में गाड़ी बसें और ट्रालर्स, आम पब्लिक अपने प्राइवेट गाड़ियों में यहाँ फंसे हुए हैं और बहुत बड़ा एरिया है। आए रोज़ मुसाफिर जो है ना परेशान है। अभी इस वक्त मैं वहाँ से आ रहा हूँ लग से, वहाँ ख़वातीन बेचारी खुद ट्रैवल कर रही है, पैदल जा रही है, मुसाफिर है, क्वेटा से आए हुए कराची अस्पताल के लिए, वो यहाँ से अभी बेचारी वहाँ तक, ना वहाँ पानी मैसर है, ना वहाँ खाने का कोई चीज़ मैसर नहीं है। हम लोगों के पास भी ये एहसास है, ऐसा नहीं है तो उसका मुस्तकिल हल होगा ना? मुस्तकिल हल जो है वो गवर्नमेंट के पास है, जो एक चेक पोस्ट, 2 चेक पोस्ट बनाए, कितना चेक पोस्ट है क्वेटा से यहाँ तक, कितना चेक पोस्ट है? पहले गाड़ी 7 घंटे में पहुँचता था, अभी 12-13 घंटे में गाड़ी पहुँच रहे कराची में, 14 घंटे में। ये आप लोग इसको ये नहीं बोल सकते भाई ये ठीक है, एक चेकिंग करो, अच्छा हर चेक पोस्ट पे 2-2, 3-3 घंटे 1-1 घंटे में गाड़ियाँ खड़ी होते हैं, उधर भी तकलीफ है, आवाम को तकलीफ है, हमारे बसों वालों को तकलीफ है। ये बात हम समझ सकते हैं, अगर हम ये भी आपसे पूछें तो इस बस में जो बस को जलाया गया है जिस गुस्से की वजह से, जिस बस के लिए यानी जितना सख्त चेकिंग किया होगा, नॉर्मल सी बात पे कोई ये बस नहीं जला सकता, कोई नॉर्मल बात पे यानी इतना जज्बाती नहीं हो सकता, कोई गुरेजी वाला तो सीन नहीं है, कोई गैर कानूनी अशिया ऐसा नहीं है कि सप्लाई किया जा रहा था और गवर्नमेंट ने इतनी सख्ती की। कराची से मंगाए हुए गाड़ी, कराची से मंगाए हुए तो आई जी कह रहा था कि मेरे विवेकी कर लिया, मुझे धक्के दे दिया और इस चीज़ पे वो कह रहा था भाई मैं खुद अपना क्या ज़िंदगी है हमारा ये ट्रांसपोर्ट का, जब हम इतना जलील होते हैं तो इससे तो अच्छा ये गाड़ियों को चलाओ सर, इससे अपने को पारित करो। थैंक यू सो मच। कोस्ट गार्ड वालों का हक नहीं बनता रोड पर, वो समंदर ही है, वो समंदर में बैठना चाहिए उसको, वो रोड पर नहीं चलना है। और रोड कस्टम और पुलिस उसी का है, वो अपने हक पे चेक करें, रवाना करें।
वो समंदर ही रेलों को पकड़े, वो जहाजों को पकड़े, वो लांचों को पकड़े, यहाँ से भी क्यों बंदे को पकड़ता है? बंदे ने क्या कसूर किया है हमारे ऊपर के? हाँ, हमारे लगे साथ लायर भी मौजूद है। सर मैं आपसे जी जी सलीम शहीद डिविजनल परेडर ह्यूमन राइट्स कलर डिवीजन मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ह्यूमन राइट्स को। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है इतने सारे लोग हम जमा है, कहाँ है कमिश्नर कला डिवीजन? कमिश्नर साहब आप सो रहे, आप सो रहे ना है डिप्टी कमिश्नर साहब आप सो रहे, डीपीओ साहब आप सो रहे, क्या हो रहा है हमारे साथ? ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो अपने मरीजों को क्वेटा से कराची लेके जा रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई महसूस करने वाला नहीं कि लोगों की क्या हालत है। क्या ये है जस्टिस? क्या बलूचिस्तान में ये है जस्टिस? मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान रिस्पेक्टेड कुद्दूस बिजंजो साहब आपसे कहता हूँ कि ऐसा ना हो कि दूसरा दो तहरीक शुरू हो जहाँ से कोई मौलाना उठ के जहाँ से बलूचिस्तान क्या हो रहा है इसकी बात करें। क्या हो रहा है हमारे साथ, ये क्या हो रहा है? अरे क्या कि एक दिन रोड बंद करता है, लोग मजबूर होकर रोड बंद कर रहे हैं। खुदारा इस चीज़ का स्टैंड ले ले चीफ जस्टिस साहब, बरसा मैं आपसे अपील करता हूँ इस चीज़ पे स्टैंड ले ले। सर यहाँ मेरी बात सुने, आप एक लायर है और यहाँ ड्राइवर हजरात का जो ट्रांसपोर्टर है उनका कहना है कि सेवन लोग हमारी तलाशी ले रहे हैं। ला हमें क्या कह रही है कि सेवन लोग तलाशी ले सकते हैं या नहीं? इम्पॉसिबल, नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। नंबर वन ये हमारे कानून को रिप्रेजेंट करने वाले इदारे हैं, इनको गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिठाया है, इनका जो काम है वही करे। अगर ये आके लोगों के इज्जत नफ्स को झंझोड़ रहे, मैं खुद देख रहा हूँ बाज़ अवकात सब लोगों की तलाशी ले रहा है, ये ह्यूमन राइट्स की भी खिलाफ वर्जी है। और इसके अलावा ड्राइवर हजरात को भी मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह आप स्मगल करके ला रहे हो ये तो इनका राइट बनता है, अगर ये चेकिंग नहीं करे तो सारे कराची में असला का गंद लग जाएगा, हीरोइन का गंद लग जाएगा, दोनों तरफ से जिम्मेदारी है। मैं स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान से कहता हूँ कि आप इसका नोटिस ले लें, जो ड्राइवर हजरात है वो अपने हद को पार न करें, जो हमारे फोर्सेज है स्पेशली जो हमारे कोस्ट गार्ड वाले वो भी अपने हद पार न करें। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन यहाँ डीसीओ साहब ने तवील मुज़ाकरात के बाद रोड खोलने का ऐलान किया है और यहाँ ये कहा गया है कि जितने भी ट्रांसपोर्टर असरात हैं उनको कहा गया है कि भाई रोड खोल दें और बीच में जो गाड़ी खड़ी है उस गाड़ी को बाद में हटाया दिया जाएगा। नाज़रीन हम आपको दिखा रहे हैं फाइनली डीसीओ साहब की जानिब से रोड खोलने का ऐलान करने के बाद जो ट्रांसपोर्ट हजरात के साथ उन्होंने बंद कमरे में मुज़ाकरात की, मुज़ाकरात के बाद उन्होंने रोड खोलने का ऐलान भी किया और रोड खोलने का